विंडोज 10 एक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आप पीसी के किसी भी ब्राउज़र में आप जाइएगा और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिएगा विंडो 10 एक्स डाउनलोड। जब आप इतना टाइप कीजिएगा और उसके बाद सर्च कर दीजिएगा तो आपको microsoft.com का एक वेबसाइट सबसे ऊपर में दिखेगा। आपको इस वेबसाइट के अंदर जाना है। ये जो आप देख रहे हैं वेबसाइट docs.microsoft.com, इस वेबसाइट के अंदर आपको जाना है। तो जस्ट इस पर क्लिक करके आप वेबसाइट के अंदर जाइए। आपका वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा। सबसे ऊपर में माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ रहेगा और गेट द विंडोज 10x डेवलपमेंट टूल से कुछ इस तरह का रहेगा। तो आप स्क्रॉल करके आप सीधा नीचे आइएगा और नीचे आइएगा तो आप देखिएगा कि गेट द माइक्रोसॉफ्ट इमुलेटर एंड विंडोज 10x इमुलेटर इमेज, ये दो आपको लिंक दिखेंगे, इंस्टॉल द माइक्रोसॉफ्ट इमुलेटर और इंस्टॉल द विंडोज 10x इमुलेटर इमेज। तो इस ये दोनों को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके अपने पीसी में। इसके रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट आप ये देख लीजिए कि वो सिस्टम 64 बिट का विंडोज 10 प्रो इंटरप्राइज और एजुकेशन का होना चाहिए। और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में आप यहाँ नीचे देख लीजिए कि वो जो सिस्टम में आप इंस्टॉल कीजिएगा विंडोज 10x सिमुलेटर वो इंटेल ऑपरेटिंग सिस्टम का होना चाहिए। AMD पर ये सपोर्ट नहीं करेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। और मिनिमम रैम कम से कम 4 GB से ऊपर होना चाहिए और इसका जो हार्ड डिस्क का ड्राइव है कम से कम 15 GB खाली होना चाहिए, तभी जाकर ये विंडोज 10x सिमुलेटर को आप इंस्टॉल कर पाइएगा, जिससे कि डॉल स्क्रीन का जो ये न्यू फीचर्स आया है जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं कुछ इसका इंस्टॉलेशन का ये गाइड दिया गया है, जिसे आप देख लेंगे, जिसके हेल्प के ज़रिए आप बड़े ही आसानी से आप इंस्टॉल कर पाएंगे। बट मैं इस वीडियोस में आपको पूरा इंस्टॉलेशन गाइड का एक वीडियो ट्यूटोरियल बना दिया हूं, जिसके मदद से इस वीडियोस के मदद से आप बड़े ही आसानी से आप विंडोज 10x का इम्यूलेटर डाउनलोड और इंस्टॉल कर पाएंगे। आप यहां देखिए नोट में AMD प्रोसेसर आर नॉट सपोर्टेड एट दिस टाइम, यानी AMD का जो प्रोसेसर है इसके लिए ये सपोर्टेड नहीं है, आप इसे सिर्फ इंटेल में ही यूज कर पाइएगा। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सीधा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपको ओपन करना है और यहाँ सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है विंडोज 10x इमुलेटर, माइक्रोसॉफ्ट इमुलेटर आपको इतना टाइप करना है। जब आप टाइप कर लीजिएगा तो आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट इमुलेटर का पेज दिखेगा, जिस पे आप गेट करके इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसे अलाउ कर दीजिएगा परमिशन को। अब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट इमुलेटर का, कुछ सेकेंड हम वेट कर लेंगे तब तक ये इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है। तो हम वेट कर लेते हैं इंस्टॉल होने के लिए। ये देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, इसे लॉन्च करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम इसे लॉन्च अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में आना है, मेन सेटिंग्स में आपको जाना है। और मेन सेटिंग्स में आपको जाने के बाद आप वहाँ देखेंगे कि ऐप सेटिंग्स जो है आप ईज ऑफ एक्सेस के ऊपर इसे आप क्लिक करेंगे और प्रोग्राम एंड फीचर्स में आप जाएंगे। क्लिक करके प्रोग्राम एंड फीचर्स को क्लिक करके आप यहां सेलेक्ट करके जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप टर्न विंडोज़ ऑफ और ऑन वाले ऑप्शन को क्लिक करके आप यहां देखेंगे इनेबल करना है हाइपर वी, और इनेबल करना है वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म को, और इनेबल करना है विंडोज़ हाइपर विजन प्लेटफॉर्म को। इतना को आपको इनेबल करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप ये देख लीजिए कि कैसे इसे करते हैं। ये देखिए वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म को मैं इनेबल किया, उसके बाद विंडोज़ हाइपर विजन प्लेटफॉर्म को भी इनेबल कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ ओके बटन को सेलेक्ट कर देंगे, ओके को क्लिक करेंगे। जब हम ओके को क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर पूछेगा रीस्टार्ट करने के लिए,
रीस्टार्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तब तक ये सर्चिंग फॉर रिक्वायर्ड फाइल यानी कुछ फाइल्स को ये सर्च कर रहा है जिसकी ये इसे ज़रूरत है इंस्टॉलेशन के लिए। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। हाँ ये देखिए विंडोज़ रीस्टार्ट करने का ये ऑप्शन आ गया, तो हम इसे रीस्टार्ट कर लेंगे। और रीस्टार्ट जब हम कर लेंगे तो उसके बाद जब हम सिस्टम को ऑन करेंगे फिर से आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आना है। और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आने के बाद आप यहाँ सर्च बॉक्स में कुछ सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है आप ध्यान से देखिए, इसमें टाइप करना है विंडोज 10X इमुलेटर इमेज और उसे आप सर्च करके इंस्टॉल कर लेंगे जैसे कि आप विंडोज 10X का इमुलेटर को किए थे। इस इंस्टॉल करने के लिए इस फाइल को इस इमेज फाइल को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास अच्छी इंटरनेट स्पीड होना चाहिए वरना ये बहुत टाइम लेगा क्योंकि बहुत बड़ा ये इमेज फाइल है विंडोज 10X का लगभग 5 GB का, यानी आपको मिनिमम 3 से 4 घंटा भी लग सकता है डाउनलोड होने में। तो आप इसे डाउनलोड कर लेंगे अच्छी इंटरनेट स्पीड के साथ। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम लॉन्च करेंगे विंडोज इम्यूलेटर ऐप्स को और हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट करके हम इसे लॉन्च करेंगे। ये देखिए स्टार्ट का ऑप्शन आया। अब स्टार्ट के ऑप्शन को जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये थोड़ा सा आपको एक पॉपअप आएगा एरर का, तो आप घबराने की बात नहीं है, आप उसे रिट्राई कर दीजिएगा। और जैसे ही आप रिट्राई कीजिएगा तो आपका ये जो डॉल स्क्रीन का जो न्यू फीचर्स है विंडोज 10X का ये देखिए इनेबल हो जाएगा और ये ओपन होगा स्टार्ट होगा। तो इस प्रोसेस से आप बड़े ही आसानी से विंडोज 10X का ये जो डॉल स्क्रीन न्यू फीचर्स है उसका लाभ उठा पाएंगे। थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे, ये विंडोज 10X का इमुलेटर जो डॉल स्क्रीन न्यू फीचर्स है ये स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा, दोनों जो स्क्रीन आपको दिख रहे हैं दोनों स्क्रीन में कुछ सेम फीचर्स रहेंगे। इसके फीचर्स के बारे में अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके रिलेटेड वीडियोस बना दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियोस और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप अपना राय दीजिएगा और हाँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।